इंटरेस्टिंग बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब का पिछले कोई 72 घंटों में या उससे ज्यादा, 72 घंटों से ज्यादा जरदारी साहब से रब्ता हुआ दुबई में। एक तो उनका चैनल था इसहाक डार वाला, वो तो चैनल खुद जबरदस्त हो गया। दूसरा चैनल उनका, मैं अभी उस चैनल का नाम यहां नहीं लेना चाह रहा, उस चैनल के थ्रू उनका जरदारी साहब से रब्ता हुआ है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि देखें मेरे बाद तुम्हारी बारी है भाई, पता है ना? जरदारी साहब कहते हैं पता है। कहा यार ये बात सुनो क्या करें। उन्होंने कहा तुम आप बताओ क्या करें। उस राब्ते के बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने कल कहा कि मिसाके जमहूरियत बहाल होना चाहिए, उस राब्ते के बाद। जी लेकिन जरदारी साहब की तरफ से कंडीशन ये, जरदारी साहब ये कहते हैं कि जब मेरे ऊपर मुसीबत आई तो तुम सारे के सारे भाग गए, सब भाग गए। और तो मतलब किसी ने बात ही नहीं की ना, पलट के नहीं पूछा। वो तकरीर जो थी वो तो एक दोनों की तरफ से आनी थी ना, तो जरदारी साहब ने तकरीर कर दी, देखा पलट के तो नवाज शरीफ गायब। और उसके बाद जरदारी साहब जो है मुझसे बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर, उसे वो देने रात का देने। अब जरदारी साहब ने ये कहा कि ये जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत आती है, चाहे पार्लियामेंट में आ जाए या वो धरने की सूरत में, तो मैं तो साथ खड़ा होता हूं। मेरे ऊपर मसला आया तो तुम भाग गए। तो नवाज शरीफ साहब ने फिर जरदारी साहब को ये जो 4-5 दिन चले ना, कैबिनेट का फैसला नहीं हो पा रहा, कैबिनेट का फैसला नहीं हो पा रहा, ये उन्हीं दिनों का किस्सा है। जरदारी साहब ने फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि देखें वो तमाम अनासिर जिनसे आपको तकलीफ थी वो मैं कैबिनेट से